हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने वन महोत्सव का आगाज कर दिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख पौधे को लगाने का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में वन विभाग ने पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने वन महोत्सव का आगाज कर दिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में वन विभाग ने पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंडी जिला मुख्यालय के समीप मझवाड़ पंचायत के सैरी में आम जनता के सहयोग से पौधारोपण का कार्य किया गया। यहाँ पर सत्यदेव बाला कामेश्वर मंदिर सायरी में युवक मंडल सायरी के सदस्यों, वन विभाग के साथ आम जनता के सहयोग से विभिन्न प्रजाति के अलग अलग लगभग 150 पौधे रोपे गए। इस दौरान वन मंडल अधिकारी मंडी सुरेंद्र कश्यप ने भी देवदार का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण करने आए लोगों को पेड़ लगाने की सही तकनीक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान लोगों से पौधे लगाने के बजाय उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। वन मंडल अधिकारी मंडी सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस बार 20 से 24 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव में मंडी जिला के मंडी मंडल में वन विभाग के तहत 150 हेक्टेयर के तहत 150 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग जनता के सहयोग से पौधारोपण के कार्य को प्रभावी ढंग से शुरू करेगा। वन मंडल अधिकारी सुरेंद्र कश्यप ने वनों के महत्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां पौधारोपण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से साझा की और पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने व उनका सही रखरखाव करने की सलाह भी दी। यहाँ पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें यहाँ सायरी गांव के लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसमें देवदार का पौधारोपण किया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से इसका पौधारोपण किया जा रहा है और बाद में इसका संरक्षण किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि पर्यावरण के लिए पौधारोपण करना और उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है और जो हमारा पर्यावरण में आज विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जो है वो निकल गई हैं, उसके लिए सबसे उत्तम और सबसे सरल माध्यम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। और आज ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, मैं आह्वान करता हूँ ये जो यहाँ स्थानीय लोग हैं कि इस पौधारोपण का ये संरक्षण करें, संवर्धन करें और आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए ये जो एक पौधारोपण क्षेत्र है ये एक मिसाल के रूप में कायम हो और ये पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये जो हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए अपना पूरा सहयोग देगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी ये प्रण लिया कि वे आने वाले समय पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देंगे। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में जहां विभाग के कर्मचारी, युवक मंडल सायरी के सदस्य व महिला मंडल व अन्य स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। इस दौरान सत्यदेव बाला कामेश्वर मंदिर सायरी के आसपास दाड़ू, देवदार, संतरे आदि के पौधे लगाए गए। पौधारोपण के साथ ही यहाँ पर उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की शपथ भी ली। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी, बाला कामेश्वर मंदिर कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह, सदस्य रेपती राम, जितेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, दीवान ठाकुर, युवक मंडल शायरी के सदस्य, महिला मंडल व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।